ऐसे ही देखने आ गए थे नॉर्मली। सबसे पहले आपकी मम्मी आए थे यहाँ पे, हाँ, मम्मी और पापा आए थे। हाँ, तो मम्मी पापा से बता रही हूँ। तो यहाँ पे है ना, जैसे रिंकू के मम्मी और पापा आए थे, रिंकू को तो पता भी नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ सीन जो ये जानते हैं। तो रिंकू के मम्मी आई, मैंने धोख दी, फिर हम बैठे, तो मम्मी जी ने बोला कि हमारा लड़का लंबा है। तो रिंकू की मम्मी ने बोला लड़की तो हमारी भी लंबी है, बस पानी गणो डोले के पानी गणो अच्छा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है मतलब बहुत सारी डिमांड थी कि मतलब लखन जी की आपकी क्या लव स्टोरी या फिर अरेंज मैरिज ऐसे करके ब्लॉग बनाओ उस पर दीदी, हमारे को भी इंटरेस्ट है जानने में। तो मैंने कहा चल आज इस पर ब्लॉग बना देते हैं। तो सबसे पहले तो लव स्टोरी है नहीं हमारी, अरेंज मैरिज ही है। और हम दो बार ही मिले, ज़्यादा बार तो हमारा मिलना हुआ नहीं था, क्योंकि दो बार मिले, तीसरी बार हमारी शादी हो गई। सगाई भी टोटली हमारी 3 मंथ ही रही थी, ज़्यादा टाइम रही नहीं। तो जी आपसे पहली बार मिलने आए थे तब क्या सीन था? पहली बार तो यहाँ इधर से तो मम्मी जी, इनकी मम्मी पापा और पापा जी ससुर जी, चार लोग ही आए थे इधर से मिलने। और सेकंड बार में जब वापस आए थे ना ये लोग, तब तो हाँ तब नहीं, फर्स्ट बार में लखन जी साथ में थे तो हमारा इतना मिलना हुआ नहीं। वो आके जस्ट बैठे थे और नॉर्मली बात जो होती है कि भाई नाम वगैरह पूछ लिया, क्या करना चाहते, पढ़ाई जॉब वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। और मतलब वो बैठे थे तो यूँ, जैसे कि ये बैठे ना तो ये यूँ फूट पर गए ऐसे बैठे थे, यूँ और मैं यूँ इधर एकदम कोने में बैठी थी बेड पे। तो इतनी बात हुई नहीं उनसे मेरी। और नॉर्मली उन्होंने नाम, उनका नाम तो वैसे मुझे जहाँ तक पता था तो वहाँ लखन बताया था, लेकिन उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया रजत। मैंने 3 बार पूछा क्या आपका नाम क्या है, बोले जो इतने धीरे बोले वो। और पहले यहाँ मेरी मम्मी आई थी, फिर यहाँ से वहाँ आई थी मिलने के लिए। आगे फिर क्या हुआ था? यहाँ पर जब आए थे मम्मी तो वहाँ यहाँ पे जो बात हुई होगी वो तो मैं यहाँ थी नहीं, जो मुझे पता है। तो आए थे यहाँ पे मम्मी और पापा आए थे। हाँ, तो मम्मी पापा से बता रही हूँ। तो यहाँ पे है ना, जैसे रिंकू के मम्मी और पापा आए थे, रिंकू को तो पता भी नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ सीन जो ये जानते हैं। तो रिंकू के मम्मी आई, मैंने धोख दी, फिर हम बैठे, तो मम्मी जी ने बोला कि हमारा लड़का लंबा है। तो रिंकू की मम्मी ने बोला लड़की तो हमारी भी लंबी है, बस पानी गणो डोले के पानी गणो छावे पानी भावे शान सफाई तैसी बढ़िया करे एकदम। चाय बनाई थी मैंने, धोख लगी थी, नाश्ता कराया था आंटी जी को, मम्मी जी का हमारे, और मम्मी जी ने बैठे थे, बातें कर रहे थे मेरी छोरी को क्या क्या आते हैं। तो ऐसे जो भी नॉर्मल जब मिलना फर्स्ट टाइम जब मिलते हैं, जब जो बात होती है वो नॉर्मली बात हुई होगी यहाँ पे भाई। वैसे मेरे जो मास्टर सासू जी होते हैं ना, एक तरफ से वो उधर है, मतलब मेरे पियर की तरफ उनकी शादी हुई है, तो वो एक तरफ से रिलेशन में मेरे आंटी जी लगते हैं। तो उनके थ्रू हमें पता चला था कि यहाँ पे, वहाँ पर हम जब गए थे तो मतलब ऐसे मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि मतलब जो अंकल जी मास्टर ससुर जी, उन्होंने कहा था कि भाई मेरे साली जी के भी लड़का है, तो आप लोग एक बार जाना देख के आना, अगर आपको समझ में बैठे तो कर लेना। तो अगले 2-3 दिन बाद क्या पूनम मिल जाती है, पूनम की छुट्टी रहती है पापा के, तो बस ऐसे बैठे बैठे सब आपको, आपको यू मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी ना, किसको आपकी सहेलियों को हुई थी कि छोरो यो छोरो गणो रूपाड़ो है न। हाँ, वो तो बाद में हुई थी, हाँ। लेरियल आए थे तब की बात नहीं, उनको नहीं हुई थी, उनको नहीं, मेरे मामा के लड़के को। वो तो जब फर्स्ट ये उधर से भी पता चला पापा को, तो पापा ऐसे देख ऐसे साम्राज्य मतलब दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वहीं पास में पड़ता है साम्राज्य की जस्ट चिकाना, तो यहाँ पे भी आ जाते हैं, देखते हैं, बातचीत होती है यहाँ पे। पापा को तो समझ में बैठ गई थी, पर मम्मी को थोड़ा कम बैठा था, क्योंकि जब लखन जी यहाँ मतलब एकदम आए थे ना, तो क्या दुकान से आए थे और ऐसी गर्मी में हो रहे थे, ऐसे यूं आ गए थे, दे तो मम्मी को लगा यार ये छोड़ो, तो थोड़ा यूं कलर भी उनका यूं डल ही लग रहा था, ब्लैक कलर मतलब ज्यादा यूं सांवले लग रहे थे, मम्मी को यार ये छोड़ो। पापा को तो पूरा समझ में बैठ गया था कि भाई ठीक है अच्छे से अपने कर लेंगे, मम्मी को थोड़ा कम जमा था। मम्मी ने कहा कि वह घर जाके बात करेंगे, फिर सब लोग डिस्कस करेंगे। वैसे हमारी इतनी फैमिली है नहीं, तो किसी को पूछना था नहीं, जो करना था जो मम्मी पापा को करना था। फिर घर गए तो पापा ने कहा कि ठीक है, उससे पहले मेरी दूसरी जगह बात चल रही थी, तो मम्मी ने कहा कि वहाँ पे भी देख के आएंगे, ऐसे ही आगे पीछे हो रहा था सब कुछ। लेकिन फिर इधर से जब वापस आते देखने के लिए, तो इधर से मम्मी जी चित्तौड़ वाले, पापा जी और लखन जी, और इधर से ससुर जी सासू जी, चारों पांचों लोग आते हैं उधर देखने के लिए। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी आती है सारी, इन वहाँ देख लेते हैं, इन वहाँ ऐसे बैठे होते हैं, बात भी होती है नॉर्मली जो बात होती है। क्या सवाल पूछे थे आपने लखन जी? कुछ नहीं, बस हम तो नॉर्मली हम बैठे थे और उन्होंने बोला था कि भाई नाम क्या है, उन्होंने तो मेरी शक्ल ही नहीं देखी, हमारी तरफ ही नहीं देखा बिल्कुल, न्यू क्रॉस में बैठा था वो। तो ऐसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, फिर उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है, आपकी हॉबीज क्या है,
विश कुछ नहीं, सब पसंद है, सब सब्जी खा लेता हूँ, सब कलर पसंद है, सब पसंद है बस। बस ये नॉर्मल सी बात हुई थी, देखा ही नहीं एक दूसरे को, देखा ही नहीं हमने, एकदम ही बैठे थे। और मेरा भी थोड़ा कम ही जम रहा था, क्योंकि मेरा मतलब मुझे यूँ लगता था कि मेरी शादी यहाँ राजस्थान में नहीं हो, कहीं बाहर हो, गुजरात साइड, उस साइड, उस साइड जाना है मेरे को तो। सारी वहाँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड सारी उधर ही, मेरा फ्रेंड सर्कल सारा उधर है, तो मेरे को लगा मैं भी उधर चली जाऊंगी तो चलो मिलना तो होगा, इधर कोई था नहीं तो इधर थोड़ा कम ही जम रहा था। और फिर ऐसे बात होती है नॉर्मली, इधर चले जाते हैं, अगली बार जब अगली बार वापस इनके इधर से वापस फोन आता है कि भाई आप लोग हमें मतलब जवाब दो कि आपके जम रही है या नहीं जम रही है ऐसे करके, तो पापा कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है मैं दूंगा जवाब ऐसे करके, पापा दूसरी जगह चले जाते हैं रिश्ता देखने के लिए। इधर का तो चल ही रहा है ना, दूसरी जगह देख के भी आ जाते हैं, दूसरी जगह गए हुए होते हैं और छोरा देखने के लिए, और इधर से फोन आता है कि भाई हम कल सुबह आने वाले हैं, तो पापा कहते हैं कि भाई ठीक है सब अदारो बाहर हो तो कोई बात नहीं, कहते समाज का घर है, खाना खा के तो जाएंगे कम से कम, कुछ नहीं तो नाश्ता वगैरह लेके आते हैं, नाश्ता करते। फिर इधर से जब आते सेकंड बार में आप आते हो कि थर्ड बार में आते हो? ग्रीन कलर की साड़ी, मैं साथ में आई थी फर्स्ट टाइम भी, मैं साथ में आई थी। अच्छा मासी जी सब आते तभी तो आते हो। फिर सेकंड बार जब ये लोग आते हैं ना तो बहुत बड़ी फैमिली आती है, जैसे कि मासियां सासू जी हो गए, ये हो गए, ऐसे करके इधर जो भी परिवार है हमारा, बुआ जी की लड़की, ये सब टोटल परिवार आ जाता है वहाँ पर। और उधर से मतलब मेरे मास्टर सासू जी एक तरफ से, मेरे आंटी जी लगते हैं वो भी आ जाते हैं उधर से, तो आते तो फिर मम्मी जी जो होते हैं तो हाथ में पैसे दे देते हैं। फिर हाथ में जब लड़की को ऐसे पैसे देते तो फिक्स होता है ना कि करना ही है, मतलब हमारी तरफ से तय, तो ऐसे हाथ में जो पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि आप लोग जवाब दे देना। फिर पापा बोल देते हैं कि फिर पापा हैंड टू हैंड, क्या हमारे क्या होता है थोड़ा काम है तो इससे मतलब बाबूजी का ज़्यादा रखते हैं, तो बाबूजी के वहाँ जाते हैं और पार्टी वगैरह मांगते हैं तो हाँ में उतर जाती है, कह देते कि बाबा फिक्स कर लो, तो पापा कहते हैं हमारी तरफ से भाई फिक्स है, ऐसे करके कंप्लीट हो जाती है। और फिर इधर से वापस मतलब दो तीन दिन निकले तो पापा का वापस से फ़ोन आया था इधर कि मेरे मतलब ससुर जी का कि कुछ प्रोग्राम रख लेते हैं छोटा बड़ा सा, तो फिर आप चिकाड़ा आते हो? हाँ फिर मैं चिकाड़ा आती हूँ क्योंकि प्रोग्राम ये ससुराल में होता है। फिर इधर से ये तैयारी करते हैं, वैसे आप लोग ने तैयारी करी थी, आप भी तो देखने आए थे, तो फर्स्ट बार आपने जब देखा होगा तो आपको कैसा लगा ही हो? मतलब मैं तो रोटी बनाने गुजरी थी ना किचन में। नहीं तो अभी बैठे थे थोड़े, अपने बात तो करी थी ना, अपन ने बात करी थी, अपन ने बात 10 मिनट किचन में बात करी थी ना, नहीं आपकी भाभी से बात करी थी, आपसे कहा करी थी? मैंने नहीं करी आपसे बात, मैंने कहा आप चावल वगैरह बनाए थे, ये चावल आमरस वगैरह आप लोग पहले से जानते थे, मेरे को ये बाद में जानने लगे थे। नहीं जानते बाद में जानने लगे थे, पहले तब मैं टिकटॉक बनाती थी, ये टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे, मतलब जानते तो नहीं थे, नहीं तो मैं इनको जानती थी नहीं, मतलब फर्स्ट बार ही देखा था मैंने तो इनको, बट ये टिकटॉक पे उस टाइम वायरल थे, तो फोन ही नहीं था उस टाइम ऐसा कि हम ऐसे देखें करें, तो इतना कुछ तब मेरी फ्रेंड सब आई हुई थी, भैया सब आए थे, तो भैया इतने सुंदर लगे थे, मतलब मेरे मामा के लड़के को कंफ्यूजन हुई थी कि मतलब जो नहीं उस टाइम नहीं, जब हम यहाँ सगाई करने आए थे ना तब उसने सोचा था कि मतलब ये जो भरत भैया को लेके सोचा था कि भाई ये मतलब रिंकू के हस्बैंड है, देखे उसने कहा छोरा तो बड़ा सुंदर है यार तेरे, मैंने कहा हाँ कि व्हाइट शर्ट पहन रखा था जो, इनका नहीं वो तो आपके एरिया रखने आए थे तब की बात, नहीं नहीं यहाँ सगाई मामा का लड़का तो यहाँ आया था ना सगाई में, यहाँ आया था ना तब उसने देखा था, तो भैया को देख के लगा कि यार छोरा। और फिर जब भैया सेकंड बार हमारे वापस आए थे ना गांव में, उस टाइम तो भैया मतलब सच में बहुत ही सुंदर लग रहे थे, मैं खुद कह रही हूँ ना बहुत सुंदर लग रहे थे, मतलब ऐसा वाइट शर्ट ऐसे मतलब बाल वगैरह सारे कर रखे थे, अब तो भैया के बाल इतने खतरनाक बड़े हो गए, उस टाइम लग रहे थे वाकई में सुंदर। फिर लगन जो उसमें क्या सेविंग वगैरह करवा के आए थे तो थोड़ा ही लग रहा था, तो उस टाइम इतना लग नहीं रहा था। उसके बाद सगे वगैरह का प्रोग्राम हुआ, हम लोग यहाँ आए, उस टाइम तो बात हुई नहीं अपनी है ना इतनी, तब नहीं, तब मेकअप मैं नहीं करा था ना, आपका तैयारी में नहीं करा था, साड़ी पे नहीं थी, मेकअप करा था ये सब इन्होंने करा, मेरा मेकअप इन्होंने करा, साड़ी इन्होंने पहने, अब यही थे तो यार यही पहनाएंगे ना यार सपोर्ट फैक्टर, रिसेप्शन का मेकअप भी मैंने करा, सावन का लीरल आए थे तब भी आए थे ना आप, हाँ है ना, सावन का लीरल आए थे तब भी इधर से वापस, नहीं सावन के लीरे में सिर्फ आप के भैया और लखन जी आप आए थे ना, सावन झूला झूलू में वादा कैसे बोले, वीडियो नहीं बनाई थी मादी जी, सब आप कुंवर थे क्या? सावन का लेरे रखेंगे तो कुंवारिस तो होंगी, ये आए थे वापस सेकंड टाइम सावन का लेरे, फिर लखन जी का बर्थडे आया, फिर लखन जी के बर्थडे पे हम लोग आए थे, तब बर्थडे पे वापस गिफ्ट लाए थे लखन जी के, रखड़ी क्या घड़ी वॉच और वॉलेट दो चीजें थी। उसके बाद शादी के बाद कभी दिया नहीं, शादी के बाद तो गिफ्ट देने का मौका ही नहीं मिला,
इस बार विचार है गिफ्ट देगी रिंकू अपने इस बर्थडे पे, देखते देखते क्या गिफ्ट देते हैं। तो ऐसे करके 3-4 बार तो हम लोग मिले थे। एक बार हमारे वहाँ फिर प्रोग्राम भी था ना ऐसे खाने का, तब भी लखन जी और भैया दोनों आए थे तब, तो फिर वहाँ पर भी मिले थे हम लोग। तो वहाँ पर उस टाइम थोड़ी बहुत बात हुई थी वहाँ पे उस टाइम, तो चलो 3-4 बार मिलना हो गया था, तो वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बात हुई थी। कमरे में भी बैठे थे हम लोग, नॉर्मली जैसे बात होती है उस बात को वापस रिपीट करेंगे, मैं पहली बार आप जब आए थे तब आप मिले नहीं, फिर हमने छत पे गए, हमने फोटो वगैरह भी क्लिक करवाए, और फिर इनसे इनसे मैंने बात करी थी, मतलब इनको मैंने टिकटॉक पे एक आधा वीडियोज़ देखा था, उनका यार वीडियोज़ तो अच्छी बना रखी इन्होंने, मतलब मेरे भाई ने सर्च किया था इनको तो इनको देखा था, तो कहा यार टिकटॉक पे वीडियोस तो अच्छी बनाते हैं, फिर मैंने इनको फोन करा था, मतलब वापस इनके आइडिया से तो फोन ही नहीं आया था, मैंने इसको करा था, नंबर नहीं थे ना आपकी तो सिम ही नहीं थी तो, हाँ फिर इनके फोन करा, इनके फोन करा था, इनका क्या कर रहे हो कि पकौड़े बना रही हूँ मैं, तो मैंने कहा ठीक है गर्मी में इतनी भर गर्मी में पकौड़े बना रही हूँ, जो भी भरी गर्मी में बनते हैं। इनसे बात करी थी, फिर लखन जी से बात, मतलब कितनी बार सगे में, मतलब इतना जल्दी जल्दी प्रोग्राम हो गया, 7-10 दिन में देखने भी आ गए होंगे, सगे का प्रोग्राम भी रह गया होगा, सगे भी हो गई होगी, और 7-8 दिन बाद वापस लखन जी का बर्थडे भी आ गया। मोबाइल लाए थे आपके नाम? हाँ, A15 लाए थे सैमसंग का, A30 था, हाँ A30 मेरे पास A15 था, देखा रिंगो का कितना महंगा फोन, मेरे सगे में पता है फोन लाए थे जियोनी P3 कौन सा था, इतना सा फोन था, लाते है ना हमने सगाई में तो रख दिया, लाते ही मैं भरत जी छत पे गए थे फोटो खींचने, मैं खींचूंगा, वो हाथ से छूटा नीचे गिर गया वहीं पे खत्म, 1,500 रुपए का चुनाव लगा 6,000 के फोन में। मेरे तो मतलब जब सावन पे लेरे लाए थे तो मतलब ये भाभी रानू ये लोग ही आए थे, तब हमने जरूर बैठ के बहुत सारी बातें करी थी, है ना, झूला घूमने गए थे, फोटोज वगैरह होंगे तो ऐड करके दिखाएंगे आप लोगों को हम। फिर आपकी जैसे कि शादी हो गई, शादी की तैयारी हो गई, उसके बाद में आप लोग शॉपिंग के लिए भी गए होंगे, लहंगे को बताओ ना, लहंगे को कितना खतरनाक प्रेशर था आप पे, वो बताओ, आप बताओ ना आप आपके हिसाब से। नहीं लहंगे का तो यूं था कि 2 मिनट, लहंगे का ये था प्रोग्राम कि पूरा जैसे कि देखने गए थे और लहंगा वगैरह लेने के लिए जा रहे थे, तो क्या मतलब मैरून और पिंक कलर का लहंगा ज़्यादा प्रीफर करते थे पहले, और रिंकू बोला नहीं लाल, मैं तो लाल ही लूँगी, तो एक बार का वहाँ दुकान में तो हाँ कर दिया, बाहर निकल के रिंकू क्या कहती यार ऐसे बोल देना ना कि हमारे को लाल पसंद आ रहा है, देखो मेरे को मेरून अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर लास्ट में फाइनल करके लाल कलर का लहंगा लिया था, एक लिया था ना मेरून, हाँ। मेरून भी लिया था ना एक और, मेरून वो तो दूसरा था सगाई का था, अच्छा दो लहंगे लिए थे मेरून और रेड कलर के दोनों लिए थे, फिर इधर से कॉल पेंट भी दिखाई दे, मतलब अनकंफर्टेबल फील करी थी उस टाइम, तो मैं जब आई थी ना लहंगा देखने, शर्म तो इतनी ज्यादा आ रही थी कि पूछो मत बता दो, फिर ऐसे ही हूँ लहंगे के लिए प्रेशर था कि मैं लहंगा पसंद करने से तो फिर मेरी मौसी की लड़की भी थी साथ में, तो वो उनके इतनी रेड अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेड कहते हैं कि भाई चलता रहता है, इसकी फैशन कभी आउट नहीं होती है, बाकी कलर्स तो न्यू बहुत सारे निकलते थे, फिर लहंगा लिया था, वो लहंगा सिर्फ एक बार पहना है शादी में, उसके बाद अभी तक नहीं पहना है, शादी के बाद का क्या सीन था वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे, फिलहाल के लिए हमारे घर में लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर कभी भी जा सकता है, हम फुल प्रेशर में बैठे हैं यहाँ पे, हमें जाना है पार्टी में, पार्टी वार्टी जाके अटेंड करके आएंगे, उससे पहले थोड़ा बहुत हमने सोचा कि चलो आप लोगों से डिस्कस कर ले ये सारी चीज़ें, तो आपको स्टोरी कैसी लगी रिंकू की हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना, नेक्स्ट व्लॉग रिंकू किस पे बनाई ये भी बताना, ठीक है ओके बाय।